बरसों से ही हमारे वैज्ञानिक इस ब्रह्मांड का अवलोकन करते आए हैं, जिसमें उन्होंने न जाने कितने ही रहस्यों से पर्दा उठाकर इस ब्रह्मांड की पुराने जमाने से लेकर इस नए जमाने तक नई नई जानकारियां देकर हमारी सोच को खोलकर इसको नए नजरिए से देखने और सोचने पर मजबूर किया है, जिसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है आधुनिक टेलीस्कोप्स का। क्या आपने कभी सोचा है हमारे खगोलविद कैसे पता लगा पाए कि आकाश में भरी हुई इन चमकती चीजों में से आखिर तारे कौन से हैं और आकाश गंगाएं कौन सी हैं? ये पता लगाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि आज से लगभग 100 सालों पहले ये माना जाता था कि हमारी मिल्की वे आकाश गंगा सिर्फ कुछ हजारों प्रकाश वर्ष के क्षेत्र तक ही फैली हुई है और आकाश में दिखने वाली हर एक चीज हमारी आकाश गंगा का ही एक हिस्सा है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि अन्य आकाश गंगाओं की खोज नहीं की गई थी, पर खोजी गई इन आकाश गंगाओं को भी हमारी मिल्की वे आकाश गंगा का ही हिस्सा माना जाता रहा, यानी हमारी आकाश गंगा को ही संपूर्ण ब्रह्मांड माना जाता था। और फिर उसके बाद 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी खगोलविद चार्ल्स मेसियर द्वारा पहली बार आकाश गंगाओं की पहचान की गई। अपने जीवन काल में 40 नेबुले और 13 धूमकेतुओं की खोज कर चुके चार्ल्स मेसियर एक बहुत बड़े कॉमेट्स ऑब्जर्वर थे। किसी भी तारे के निर्माण के लिए गैस के अपेक्षाकृत घने बादलों की आवश्यकता होती है, जिसे नेबुला कहा जाता है, जो केवल आकाश गंगाओं में पाए जाते हैं। अपने ऑब्जर्वेशन के दौरान चार्ल्स ने आकाश में तारों, धूमकेतु और नेबुले से अलग बहुत सी अस्पष्ट वस्तुओं को देखा और फिर उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये वस्तुएं धूमकेतु नहीं हैं। उन्होंने इन वस्तुओं को नाम दिया सर्पिल नेबुला। साथ ही साथ इन खोजों के बाद वो कंफ्यूज्ड और चिंतित हो उठे कि कहीं इनको लेकर दूसरे कॉमेट ऑब्जर्वर्स कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि ये वस्तुएं सिर्फ कॉमेट्स या फिर नेबुला ही नहीं थी। और फिर इनको अलग से पहचान सकने के लिए उन्होंने इसकी एक नई सूची तैयार की, जिसमें इन्हें 110 सितारा समूहों और सर्पिल नेबुला के रूप में शामिल किया गया, क्योंकि वे धुंधले बादलों की तरह दिखते थे। इस सूची में वस्तुओं की पहचान मेसियर एम के द्वारा की जाती है, जैसे कि M31 इत्यादि। एंड्रोमेडा आकाश गंगा, जिसे मेसियर M31 के रूप में भी जाना जाता है, मिल्की वे की सबसे बड़ी पड़ोसी आकाश गंगा है। लेकिन इसके लगभग 300 सालों बाद खगोलविदों को पता चला कि ये सर्पिल नेबुला असल में है क्या, तो उन्होंने तर्क दिया कि ये सर्पिल नेबुला दरअसल आइलैंड यूनिवर्सेस हैं, जो कि हमारी मिल्की वे आकाश गंगा जैसी अन्य दूसरी वस्तुएं ही हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर खगोलविदों ने अपनी असहमति जताते हुए कहा कि ये सर्पिल वस्तुएं मिल्की वे के भीतर ही गैस के बादल थे। ये तर्क 1920 के दशक तक चला और 1920 के दशक में खगोलविद एडविन हब्बल ने दिखाया कि एंड्रोमेडा नेबुला अपने आप में एक आकाश गंगा थी। जब 1923 में हबल एंड्रोमेडा नेबुला, जो अब आकाश गंगा के नाम से जानी जाती है, का अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने महसूस किया कि वो जिन वस्तुओं का ऑब्जर्वेशन कर रहे थे उनमें से एक सैफिड वेरिएबल स्टार था। दरअसल सैफिड्स ऐसे तारे हैं जिनकी चमक समय समय पर बदलती रहती है, जिनकी खोज 1900 के दशक की शुरुआत में अमेरिकी खगोल शास्त्री हेनरिटा लेविट ने की थी। हबल ने अध्ययन के दौरान PL रिलेशनशिप का प्रयोग करके सैफिड की दूरी का पता लगाया और ये साबित किया कि वो हमारी आकाश गंगा मिल्की वे से दूर स्थित हैं। और फिर उसके बाद सर्पिल नेबुला के उस मुद्दे पर सारी बहस खत्म हो गई, क्योंकि ये सब तारे हमारी मिल्की वे जैसी ही दूसरी अन्य आकाश गंगाओं में स्थित थी। आकाश गंगा तारों, तारकीय अवशेषों, इंटरस्टेलर गैस, धूल, डार्क मैटर से बना एक गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ सिस्टम होता है, या फिर यूं कहें आकाश गंगा तारों का एक झुंड होता है। आकाश में हर तरफ फैली इन आकाश गंगाओं का आकार बौने से लेकर कई सौ प्रकाश वर्ष तक का होता है, जिसमें कई अरबों की संख्या में तारे होते हैं, जो कि अपने आकाश गंगा के द्रव्यमान के केंद्र की परिक्रमा करते हैं। आकाश गंगाओं के बीच का स्थान एक टेंसियस गैस अंतरजलीय माध्यम से भरा हुआ होता है, जिसमें तारे, ग्रह, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, चंद्रमा, नेबुले, एस्ट्रॉयड, धूमकेतु और डार्क मैटर का अपना संग्रह होता है। और वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जितनी भी बड़ी आकाश गंगाएं हैं उनमें लगभग सभी के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल होते हैं। हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे के केंद्र में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जिसका द्रव्यमान 4 मिलियन सूर्य जितना है। वैज्ञानिकों के 2016 के एक शोध के अनुसार हमारी मिल्की वे आकाश गंगा में लगभग 200 बिलियन के करीब तारे हैं और हमारे यूनिवर्स में करीब 100 बिलियन से लेकर 500 बिलियन तक आकाश गंगाएं मौजूद हैं, जिनमें कुल मिलाकर लगभग 200 सेक्सटिलियन यानी
दो के आगे 22 जीरो जितने तारे मौजूद हैं। हम जितने गहरे ब्रह्मांड में देखते जाएंगे उतनी ही अधिक आकाशगंगाएं दिखती चली जाएंगी, जिनमें से कुछ हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के जैसी ही हैं और बाकी उससे बिल्कुल अलग तरह की आकाशगंगाएं मौजूद हैं। 1936 में हब्बल ने आकाशगंगाओं को वर्गीकृत करने का एक तरीका शुरू किया, जिसमें उन्होंने इन आकाशगंगाओं को उनके दिखने के आधार पर, यानी जैसी वो दिखती थी और जैसा उनका रूप था, के अनुसार इन्हें चार मुख्य प्रकारों, सर्पिल आकाशगंगाएं, लेंटिकुलर आकाशगंगाएं, अंडाकार आकाशगंगाएं और अनियमित आकाशगंगाओं के रूप में विभाजित किया। तो चलिए इन आकाशगंगाओं के प्रकार के बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। स्पाइरल आकाशगंगा। वैज्ञानिकों के अनुसार अब तक जितनी भी आकाशगंगाओं को खोजा और ऑब्जर्व किया जा चुका है, उनमें से 2/3 आकाशगंगाएं स्पाइरल आकार की हैं। हमारी खुद की मिल्की वे भी एक स्पाइरल आकाशगंगा ही है। और वर्लपूल आकाशगंगा पहली खगोलीय वस्तु थी जिसकी पहचान स्पाइरल वस्तुओं के रूप में की गई थी। स्पाइरल आकाशगंगा में एक सपाट घूमती हुई डिस्क होती है जिसका केंद्र उभार लिए होता है, जो कि सर्पिल आकार की भुजाओं द्वारा घिरा हुआ होता है, और इन सर्पिल भुजाओं में गैस, धूल और छोटे सितारों का खजाना होता है, और इनकी सैकड़ों किलोमीटर प्रति सेकंड की गति का कारण इन आकाशगंगाओं की डिस्क में उपस्थित पदार्थ का एक सर्पिल पिनव्हील की तरह एक विशिष्ट सर्पिल आकार लेने की वजह से हो सकता है। हमारी मिल्की वे के केंद्र में भी इन दूसरी स्पाइरल आकाशगंगाओं की तरह ही एक लीनियर तारों वाली पट्टी उपस्थित है। वर्लपूल आकाशगंगा की यह तस्वीर एक स्पाइरल आकाशगंगा की क्लासिक विशेषताओं को दर्शाती है। घूमती हुई बाहरी भुजाएं, जो कि नए नए तारों का घर है, वहीं दूसरी तरफ एक पीले रंग का केंद्रीय कोर, जो कि पुराने तारों का घर है, और इस वर्लपूल आकाशगंगा की दाएं तरफ की भुजा पर जो दूसरी आकाशगंगा दिख रही है वो इसकी साथी आकाशगंगा है, जिसका नाम है NGC 5195। ये वर्लपूल आकाशगंगा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से प्रभावित होकर यहाँ से सैकड़ों लाखों वर्षों से गुजर रही है। अब तक की सबसे बड़ी ज्ञात स्पाइरल आकाशगंगा एक NGC 6872 है। 5,22,000 प्रकाश वर्ष वाली ये आकाशगंगा हमारी मिल्की वे से 5 गुना बड़ी है। अंडाकार आकाशगंगा। इस टाइप की आकाशगंगा आमतौर पर गोल होती है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन कुछ मामलों में ये आकाशगंगाएं एक एक्सिस से ज्यादा खिंची हुई होती हैं दूसरी आकाशगंगाओं की तुलना में, जिसकी वजह से इनका आकार सिगार जैसा दिखने लगता है। और इस ब्रह्मांड की अब तक ज्ञात सबसे विशाल अंडाकार आकाशगंगाओं में 1 ट्रिलियन तारे तक हो सकते हैं, और कुछ मामलों में इन आकाशगंगाओं का आकार बहुत छोटा भी होता है, जिन्हें ड्वार्फ इलिप्टिकल गैलेक्सीज कहा जाता है। भले ही इन इलिप्टिकल आकाशगंगाओं में बहुत से नए और पुराने तारे उपस्थित होते हों, लेकिन उनकी तुलना में इनमें बहुत कम मात्रा में बहुत कम धूल और अन्य इंटरस्टेलर पदार्थ होते हैं। स्पाइरल आकाशगंगाओं के तारों की तरह ही इन इलिप्टिकल आकाशगंगाओं के तारे भी केंद्र के चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये तारे उनकी अपेक्षा अधिक रैंडम दिशाओं में ऐसा करते हैं। NGC 1316 के बीच ब्रह्मांडीय धूल के बीच एक विशाल अंडाकार आकाशगंगा का निर्माण अरबों सालों पहले हुआ था, जब 2 स्पाइरल आकाशगंगाओं का विलय हुआ था। सबसे प्रसिद्ध अंडाकार आकाशगंगाओं में से एक सिग्नस ए है, जो कि हमारी पृथ्वी से लगभग 600 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये एक अत्यंत उज्ज्वल रेडियो स्रोत है। लेंटिकुलर आकाशगंगाएं। लेंटिकुलर आकाशगंगा स्पाइरल आकाशगंगा और इलिप्टिकल आकाशगंगा के बीच की आकाशगंगा होती है। इसमें एक फ्लैट डिस्क तो होती है, लेकिन उनकी भुजाएं नहीं होती हैं। इस आकाशगंगा को देखिए, ये सोम्ब्रेरो आकाशगंगा है। ये आकाशगंगा स्पाइरल आकाशगंगा और इलिप्टिकल आकाशगंगा के बीच में बैठती हुई सी लगती है। इस टाइप की आकाशगंगा को लेंटिकुलर आकाशगंगा कहा जाता है, क्योंकि स्पाइरल आकाशगंगाओं की तरह ही इन आकाशगंगाओं के पास तारों की एक पतली घूर्णन डिस्क और एक केंद्रीय उभार होता है, लेकिन स्पाइरल भुजाएं नहीं होती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अंडाकार आकाशगंगाओं की तरह इनके पास बहुत कम धूल और अंतर तारकीय पदार्थ होते हैं। अनियमित आकाशगंगाएं। वो आकाशगंगाएं जो सर्पिल, लेंटिकुलर या अंडाकार नहीं होती हैं, उन्हें अनियमित आकाशगंगा कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि बड़े और छोटे मैगेलनिक बादल जो हमारी मिल्की वे को फ्लैंक करते हैं, इन आकाशगंगाओं का आकार नियमित नहीं होता है, क्योंकि ये अक्सर
अन्य दूसरी आकाशगंगाओं के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं, लेकिन ये आकाशगंगाएं गैस और धूल से भरी हुई होती हैं। ये गुण इन्हें नए तारे बनाने वाली नर्सरीज बनाता है। चलिए अब हम हबल टेलीस्कोप द्वारा ली गई कुछ आकाशगंगाओं की तस्वीरों को देखते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप की इस तस्वीर में मैगेलनिक बादल, आकाशगंगा में विस्फोटित तारे के मलबे की चादरें घूमती हुई सी दिखती हैं। ये विशाल सा दिखने वाला ब्रह्मांड एक हिंसक जगह है और यहाँ पर आकाशगंगाओं के बीच टकराव अक्सर होते रहते हैं। वास्तव में मिल्की वे भी आने वाले कुछ ही वर्षों में पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा से टकराकर अपने मूल रूप और आकार को खो देगी।